जिस रसूल कभी अपनी बेटी के बदन पर फूलों की छड़ी भी ना देखी, उस रसूल के दिल से पूछिए जब उसको पता चला हो कि मेरी फातिमा के बदन पे कोड़ा मारा गया। अपने अंदाज से ना सोचिए, जरा रसूल को जहन में ले लिया और रसूल के गम का अंदाजा करें, मौला अली के सब्र का अंदाजा करें। इसलिए कि ज़ाहिरी एतबार से रसूल उस वक्त दुनिया से जा चुके हैं, अगर एक एक मंजर देख तो रहे थे ना, और मौला अली तो उस वक्त वहीं मौजूद थे। नऊज़ु बिल्लाह, इस जुमले के लिए तो मैं माजरत खा हूं, एक आम गैरत ना रखने वाला इंसान अगर उसके घर और उसके नाकूस और उसके अहले अरब में इस अंदाज से कोई हाथ होता तो उसे भी खुश आ जाता, और कहा कायनात का सबसे गैरत मत। कभी ऐसा होता है हमारे पास गैरत है, ताकत नहीं, सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर है तो आदमी मजबूर हो जाता। गैरत में भी कोई अली के बराबर नहीं, और शजात में भी कोई अली के बराबर नहीं। अगर अल्लाह ने सब अली की शजात मशहूर है, सब्र कम मशहूर। फातिमा के बदन के कोड़े ने बताया तेरा मौला कितना साबिर, मगर सारा का सारा मसाला इस सवाल के गिर्द घूमता कि फातिमा के बदन में कोड़ा पड़ा, फातिमा के बदन में कोड़ा पड़ा बाबा किसी ये फातिमा को अपना हिजाब बचाना। कौन सा हिजाब? फातिमा के घर के दरवाजे पे आके धमकियां दी जा, घर का दरवाजा खोलो वरना इसे जला दे। अब फातिमा, मैं जाहिर के इतबार से कह रहा हूं, वरना इल्म गैब और आने वाले हालात की खबर तो अहले बैत को पहले से, फातिमा जाहिरी एतबार से हर चीज को मान सकती है, इसको कैसे माने कि मेरे घर का दरवाजा जहां मलकुल मौत भी आगे नहीं बढ़ता और जहां अल्लाह का रसूल मेरा बाबा अफजल कायनात वो भी रुक जाता, क्या कोई ऐसा आदमी भी इस दुनिया में है जो अपने आप को मुसलमान भी कहे और मेरे घर के दरवाजे को जला के दे? यकीन नहीं आता। मगर आने वाले ने घर का दरवाजा जलाया और जला के लात मार के इस तेजी से बोला, फातिमा जो दरवाजे के बिल्कुल पीछे खड़ी थी अपना हिजाब बचाने के लिए घबरा के दरवाजे के पीछे, मगर फातिमा को हिजाब भी बचाना और अपने बेटे मोहसिन को भी बचाना। जैसे जैसे दरवाजा दीवार की जाने थकेला जा रहा, जितना दिफा वाजिब है एक इंसान पर, फातिमा उस दरवाजे को रोक रही, और आने वाला कुछ ऐसे फैदो गजब के आनंद में आ गया कि आपने गुलाम से कहा कि आगे बढ़ो और रसूल जादी को इस दरवाजे के पीछे से निकाल। जुनाब के किस अंदाज से आप करबला में जुमला सुनते हैं, हालात ऐसे हैं कि मसाइब सैयदा खुल के बयान भी नहीं हो सकते। करबला में जुमला सुनते हैं ना कि रास्ते में जहां पर हुसैन का कटा हुआ सर रुक जाता था तो शिमर उस सर को हरकत नहीं देता था, कभी सज्जाद के बदन पे कोड़ा मारता था, कभी ज़ैनब की कमर पे कोड़ा मारता था कि जब इनको जख्मी करूंगा तो हुसैन का सर खुद ब खुद चलेगा। तो कहा कि रसूल गाजी को दरवाजे के पीछे से निकाल, गुलाम ने वो कोड़ा हरकत में, गुलाम वो कोड़ा हरकत में लाया जो खाली कोड़ा ना था, खानदार कोड़ा था। पीछे रसूल के बदन पे ये कोड़ा पड़ा और एक मरतबा आए बाबा कहकर फातिमा सारा हश खा के फिर पड़ी। मगर याद रखिए, दरवाजे की वजह से जहां एक तरफ शहजादा मोहसिन शहीद हुआ, वहां दूसरी जाने फातिमा सारा की ये कैफियत हो गई। बस इससे ज्यादा मैं
माइक पर मसाइल में सैयदा पढ़ नहीं सकता। फातिमा ज़हरा की ये कैफियत हो गई, दरवाजा बदन में रख के दबाया गया और कब्र में कोड़ा मारा गया। इन दो का नतीजा क्या निकला? फकत मोहसिन की शहादत नहीं, अगर ये वही कितनी बड़ी मुसीबत, कैफियत ये हो गई कि इसके बाद 75 दिन रसूल साथी जिंदा रही, मगर जब बिस्तर से मुसल्ले पे आती थी और नमाज पढ़ के वापस बिस्तर पे जाती थी तो पता है किस तरह से चलती थी? एक हाथ दीवार पे रखती थी, दूसरे हाथ से टूटी हुई पसलियों को संभालती थी। फातिमा की पसलियां भी तोड़ दी गई और इस तरह से तोड़ी गई कि मरते दम तक इलाज ना हो सका। आए जरा ये मंजर रसूल खुदा को दिखाए, हसनैन से पूछे, अरे शहजादा हसन, अरे आका हुसैन, आपने 75 दिन 5 मरतबा ये मंजर कैसे बर्दाश्त किया होगा? मेरी मादरे गरामी एक हाथ से पसलियों को संभाले है, टूटी हुई पसलियां, शिकस्ता पसलियां, और दूसरे हाथ से दीवार को थामा है। ये तो दरवाजे का जख्म था, अब कोड़े का जख्म क्या है? इसके लिए गवाही ज़ैनब देगी। ज़ैनब फरमाती है, जब बाबा अम्मा को गुस्ल बनियन दे रहा था तो मैं सबसे करीब खड़ी थी, अगर ये दरवाजा बंद था, मगर मेरा बाबा इतना रोया और चीख के रोया। मैंने वो जुमला जानबूझकर कहा था कि अली के सब्र को भी पहचाने, लेकिन इतना साबिर अली आज बर्दाश्त ना कर सका। इस तरह से चीख चीख के रोए कि बाबा के रोने की आवाज नन्ही ज़ैनब ने सुनी। थोड़ी देर बाद अली ने दरवाजा खोला, आओ बेटे और बेटियों, अपनी माँ की आखिरी ज़ियारत कर दो। हसनैन को तड़प के आगे बढ़े, ज़ैनब रुक गई। बाबा वक्त इतना और बता दीजिए कि अम्मा को गुस्ल देते हुए आप रो क्यों रहे थे? आए साबिर इमाम मेरा मौला अली, अजीब जुमला कहना पड़ा। कहा ज़ैनब बेटी, जब मैंने गुस्ल मैयत के लिए पानी डाला और कमर तक पहुंचा तो मैंने देखा कितने दिन के बाद भी रसूल की बेटी की कमर पर कोड़े का जख्म अब तक साफ़ है। अरे रसूल की बेटी, अरे अली की बीवी हसनैन की माँ, आपकी शहजादी सख्ती कमर के साथ दुनिया से गई, टूटी पसलियों के साथ दुनिया से गई। और मुझे यकीन है जैसे ही ये जुमला सुना होगा ज़ैनब ने फरियाद की होगी, आए मेरी माँ कोड़े का जख्म, तो अली ने जरूर कहा होगा ज़ैनब मगर इतना हो